कुदरत का हुस्न हर आंख को गर्विदा करता है और अगर ये आंख मुसव्विर की हो तो फिर क्या ही कहने। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली आर्टिस्ट कुदरती माहौल में बैठकर ही नज़ारों को खूबसूरत अंदाज में कैनवस पर इस तरह उतारती हैं कि देखने वाले दंग रह जाएं। इस आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं जुल्कर्णैन ताहिर जी। जुल्कर्णैन, आगाह कीजिएगा कि आर्टिस्ट किस चौक के हवाले से। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सबे इदरीस, जो कि पेंटिंग से ख़ास तौर पर शगफ रखती हैं और कहा यह जाता है कि कुदरत का और मुसव्विर का जो है वो गहरा नाता होता है। इस वक्त यहाँ पर कुदरती माहौल में बैठकर पेंटिंग कर रही हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इनका और यहाँ पर बैठकर पेंटिंग करना कैसा लगता है। सो मुझे बताइएगा, यहाँ पर बैठकर पेंटिंग करना, कुदरत के नज़ारों को देखते हुए कैनवस पर उतारना कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। देखा जाए तो आर्ट का और नेचर का बहुत गहरा ताल्लुक होता है, तो नेचर को हम डीपली ऑब्जर्व करना और उसको पेंट करना बहुत ही अच्छा लगता है और पुरसकून माहौल में बैठकर उस चीज़ को अपने कैनवस पर उतारना या अपनी शीट पर उतारना, तो ये बाकी घर में ही पेंटिंग बैठकर करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और पुरसकून लगता है। और कुदरती मनाजर को जो पेंट करके ये भी कहा जा सकता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो जो है अपनी सकाफत को मजबूत कर लेते हैं और महफूज कर लेते हैं अपने आर्ट के ज़रिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुदरत का और मुसव्वर का कैसा रिश्ता होता है? ये इतने हसीन मनाजर हैं, ऐसे मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रही हैं, लेकिन आप इसको कैनवस पर उतार सकती हैं, मैं सिर्फ देख सकता हूँ, ये कैसा लगता है? आर्ट को करने में भी अपना मज़ा है और उसको देखने में भी अपना मज़ा है, तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगता है कि जब हम किसी भी मंजर को जो है देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको फिर उसी एज इट इज़ अपने पेपर पे या कैनवस पर उतार। पेंटिंग करना ख़ास अच्छा लगता है, इसका अपना ही एहसास है कि इस कंडीशन में बैठ के जो है वो महसूस किया जा सकता है। जी ठीक है, दुल्कनैन बहुत शुक्रिया आपका।